दोस्तों, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच जो होगा आईपीएल का दोस्तों थर्ड मैच। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बट जो मेरा मोटिव रहेगा ना, पहला तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो छोटा से छोटा बने, ताकि दोस्तों आप पूरा वीडियो देख पाओ, लॉजिकली दोस्तों आप समझ पाओ। यहाँ पे जो वीडियोस एनालिसिस मिलेगा वो एकदम ट्रेडिशनल मेथड से मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग स्मॉल लीग के रिस्पेक्ट में एक सेफ टीम बनाएंगे, मैं आपको शो भी करूँगा, प्लस दोस्तों आपको उसी सेफ टीम में रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन के साथ मैं सजेस्ट करूँगा ग्रैंड लीग या फिर मिनी जेल खेलो। देखो, मैं आपको यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, या फिर आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आप करोड़पति बनोगे, मत सोचो उतना दूर, ठीक है? वो अगर आ गया तो बात अलग है। आपका सोच होना चाहिए दोस्तों, आपको अच्छा विन करना चाहिए, बट अच्छा टीम बनाना। पहले हम लोग प्रोसेस पे ध्यान देंगे, जो अच्छा टीम कैसे बनेगा और अच्छा टीम इस मैच में क्या रहेगा, बाकी मैच वाइज दोस्तों जो रैंक आएंगे आएंगे, बट टीम अच्छा बनना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मैच का फाइनल कवरेज, आईपीएल की कवरेज, प्लस और भी मैचेस आएंगे जैसे कि एसोसिएट्स के इंटरनेशनल मैचेस, मेरा पसंदीदा लीग है अभी के लिए, तो वो मैचेस, ईसीएल भी हमने कवर किया, इंडिया के डोमेस्टिक वगैरह भी कवरेज मिलेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है फैंटेसी में ये चैनल आपके लिए, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पिंड करो टॉप में टेलीग्राम चैनल का, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो यूट्यूब का। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी एडेड है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हो। एनालिसिस करते हैं, देखो एडेन गार्डन में एवरेज स्कोर 190, ये 190 मैंने अपना मनगढ़ंत नहीं बनाया। आप अगर एनालिसिस करते हो लास्ट ईयर, स्पेशली लास्ट ईयर का पहला तीन चार मैच लो, 200 रन बना पहले तीन मैच में, रन अच्छे बन रहे थे, लेटर ऑन स्लाइटली पिच आपको पता है जब टायर्ड होता है थोड़ा सा रन कम बनता है। अगर आप वर्ल्ड कप में ले लेते हो, इंडिया जो खेला मैच वहाँ पे भी 300 बना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, चेजिंग जब कर रहा था साउथ अफ्रीका कोलैप्स हुआ। वर्ल्ड कप में हमने देखा अंडर लाइट बॉल बहुत ज़्यादा नाच रहा था, मोस्ट प्रोबेबली नीदरलैंड ने डिफेंड कर दिया था बांग्लादेश या श्रीलंका के खिलाफ, दोस्तों अंडर लाइट बॉल स्विंग हो रहा था, और ये मैच तो नाइट का ही है ना, तो अंडर लाइट बोथ कंडीशन बॉल स्विंग हो सकता है, स्पेशली इनिशियल ओवर्स में। थोड़ा सा हम लोग पिच देखेंगे, अगर आप कलकत्ता का यूनिट देखोगे टीम का, मैंने प्रेडिक्ट किया कि केकेआर इस साल टॉप फोर में फिनिश करना चाहिए, उनका स्ट्रेंथ देख के, उनके पास पेसर भी है स्पिनर भी है। लेट्स सी गंभीर का स्ट्रेटेजी क्या होता है, बेसिकली गंभीर स्पिन फ्रेंडली स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, लेट्स सी। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, स्पेशली पिच रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको फाइनल कवरेज भी दूंगा टेलीग्राम पे। हेड टू हेड 25 16 बैट फर्स्ट 9 बार सॉरी 16 बार केकेआर और 9 बार एसआरएच ने विन किया। देखो मुझे तो केकेआर स्ट्रांग लग रहा है, लेट्स सी। केकेआर से देखो गुरबाज ओपन करेगा वेंकटेश अय्यर के साथ, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, अंद्रे रसल, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, इस साल ना बहुत ज़्यादा आपको बाउंसर दिखेगा, दो बाउंसर अलाउड है। सीएसके वर्सेस आरसीबी वाला मैच में आप देख लो कितना सारा बाउंसर लगा है, विराट को भी बाउंसर में ही विकेट गिरा था विराट का, ठीक है? अगर आप देखते हो दोस्तों शिवम दुबे, डैरिल मिशेल, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बॉल बाउंसर आ रहा था। तो ऐसे में अगर आप ऐड करते हो दोस्तों यहाँ पे मिचेल स्टार्क का, दोस्तों बॉल आगे भी होता है बाउंसर भी होता है, अच्छा खासा वेरिएशन ला सकते हैं दोस्तों। सकरिया खेलेंगे नहीं खेलेंगे मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इनका बाउंसर उतना अच्छा नहीं है। लेट्स सी, हर्षित राणा के पास एक रॉ पेस है, यहाँ पे राणा और यहाँ पे मनीष पांडे दोस्तों आपको आई थिंक स्वैप होते हुए दिखेगा, जो सब्स्टिट्यूट रूल है उसके अकॉर्डिंग। ओके, टीम अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम हो सकता है, अय्यर और नीतीश राणा को भर भर के दोस्तों बाउंसर मिलेंगे इस साल, देखना। गुरबाज ओपन करेंगे, लास्ट ईयर 21 के एवरेज से 227 रन, ये एक मेरा पी वाला प्लेयर है, मतलब पनौती वाला प्लेयर है, ठीक है? स्लाइटली बैटिंग फर्स्ट, ये ट्रेडिशनली गुरबाज बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा अच्छा करता है, बट इनिंग्स वाइज T20 में अगर एवरेज देखोगे फर्स्ट इनिंग्स में 22, सेकेंड इनिंग्स में 23, वनडे में बैटिंग फर्स्ट ही बेसिकली ज़्यादा अच्छा करता है ये। वेन्यू पे 30 का एवरेज है, ठीक ठाक कॉल है, एक तो कोलकाता का विकेट में बाउंस होगा, बाउंस तो होगा, ठीक है? स्पिनर हो फ्रेंडली या बैटर फ्रेंडली बॉलर्स फ्रेंडली हो, बाउंस तो है, और ये विकी करेगा तो दोस्तों विकी से आपको पॉइंट्स और वैल्यू दे सकता है। मुझे लगता है गुरबाज खेलेगा, सॉल्ट भी खेल सकता है, सॉल्ट खेलेगा तो अल्ट्रा अटैकिंग खेलेगा, बहुत अच्छा प्लेयर है। वेंकटेश अय्यर दोस्तों, इसने लास्ट ईयर 29 के एवरेज से रन बनाया था, ये भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो दोस्तों मनीष पांडे अच्छा फील्डर है, तो शायद मनीष पांडे फील्डिंग कर ले और वेंकटेश अय्यर को टीम सब्स्टिट्यूट कर ले, तब ये बॉलिंग ऑप्शन से रिड्यूस हो जाएगा।
रिसेंटली फर्स्ट क्लास में डिसेंट क्रिकेट खेला है दोस्तों, 146, 72, 35, 80, 35 बॉलिंग भी कराया। वेन्यू में एवरेज इसका बहुत ख़राब है, सिर्फ 19 का एवरेज है। इनिंग्स वाइज फर्स्ट इनिंग्स में 28 का और सेकेंड इनिंग्स में 30 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर दोस्तों ये रहेगा दोस्तों, लेट्स सी कैसे करते हैं। 2022 में 14 मैच में 31 के एवरेज से 401 रन बनाया था और लास्ट ईयर ये नहीं खेला था, आपको पता है। केकेआर ने भी 200 अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। वेन्यू में 31 का एवरेज है इसका, 244 रन है 8 इनिंग्स में। इनिंग्स वाइज फर्स्ट इनिंग्स में 31, सेकेंड इनिंग्स में अच्छा खेलता है 34 का एवरेज। नीतीश राणा दोस्तों सेफ टीम बनाओ, साफ कर दो ओपोनेंट को, मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा इस साल। सेफ बनाएंगे, अननेसेसरी रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। राणा जी 14 मैच 32 का एवरेज 413 रन। रिसेंटली फर्स्ट क्लास मैचेस में बॉलिंग कराया, बट इस केकेआर टीम में मैंने जो देख रहा हूँ कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारा बॉलिंग ऑप्शन है। वेन्यू में 31 का एवरेज है, अच्छा एवरेज है इसका। इनिंग्स वाइज फर्स्ट इनिंग्स में 29, सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा अच्छा करता है 35 का एवरेज। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, अगर ये ऑर्डर होगा ना तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट कम्बिनेशन प्रॉपर मेंटेन है। राइटी लेफ्टी, यहाँ पे राइटी लेफ्टी में जो आउट होगा, मतलब राइटी आउट हुआ तो अय्यर, लेफ्टी आउट हुआ तो नीतीश राणा भी दोस्तों यहाँ पे खेलते हुए आपको दिख सकते हैं, ठीक है। और अगर 13-14 ओवर के बाद विकेट गिरा, मतलब जो मान लो कि नीतीश राणा बैटिंग के लिए नहीं आया और विकेट गिरा 13 ओवर के बाद, हाई पॉसिबिलिटीज है टीम रिंकू को टॉप में प्रमोट कर दे हिटिंग के लिए। और ये दोस्तों ये एक ऐसा प्लेयर है जो आउट नहीं होता है, वहाँ पे जाता है रन बनाता है, अगर रन नहीं भी आ रहा है तो सिंगल रोटेट करेगा, हिटिंग करेगा लास्ट 3-4 ओवर में बराबर। आपको पता है ऑलरेडी इनके पास ड्रेडर्स है, इसको भी टीम प्रमोट कर सकता है अगर कोई राइटी प्लेयर आउट हुआ और राइटी को प्रमोट करना है तो। दोस्तों बहुत तगड़ा है, बट ड्रेडर्स का इस साल का एक बैटिंग से प्रॉब्लम हो सकता है कि इसको भी बाउंसर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और आंद्रे रसेल को दोस्तों बाउंसर से दिक्कत होता है, ये अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग डाला बहुत बढ़िया बात है, बॉलिंग से विकेट निकाल सकता है, डेथ में आ सकते हैं दोस्तों। बट अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉल डाला तो इसको बाउंसर पड़ेगा। और फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग किया, बाउंसर पड़ा, आउट हो गया, और सेकेंड इनिंग्स में इसका परफॉर्मेंस डाउन बॉलिंग से, तो इसको मैं कैप्टन बनाऊंगा। ओनली केकेआर गोना बॉल फर्स्ट, केकेआर गोना बैट फर्स्ट, आई विल नॉट दोस्तों मेक हिम एज कैप। रिंकू हो गया, ड्रेरस देखो 14 मैच में लास्ट ईयर 21 के एवरेज से रन बनाया, बॉलिंग नहीं किया, बट इसने ना रिसेंटली बांग्लादेश में बीपीएल में हर मैच में ओवर कंप्लीट कर रहा था। मैंने बीपीएल कवर किया, खुद कवर किया, तमीम इसको लंबा लंबा मारा, तमीम के साथ इसका मैचअप भी है, बट यार ये ओवर कर रहा था, क्लियर कट है कि ओवर करेगा। यहाँ पे वेन्यू में 34 का एवरेज से 804 रन, 88 ओवर, 31 विकेट, और वेस्टइंडीज के लिए भी बॉलिंग कराया दोस्तों इसने, T20 में देख लो अच्छा खेल रहा था। बैटिंग वाइज एवरेज फर्स्ट इनिंग्स में 29, सेकेंड इनिंग्स में 30, बॉलिंग वाइज फर्स्ट इनिंग्स में 18 का स्ट्राइक रेट होता है, सेकेंड इनिंग्स में 16। मैं ऐसा मानता हूँ कि ड्रेडर्स को विकेट बेसिकली डेथ ओवर्स में ज़्यादा मिलता है, बट ये खुद भी बाउंसर बहुत अच्छा मारता है, ये भी सब बात सही है कि इसका भी बाउंसर अच्छा है। सुनील नडीन 14 मैच 48 ओवर 11 विकेट, बहुत ही दोस्तों अच्छा प्लेयर है, बट अगर रिसेंट फॉर्म वाइज जाओगे तो 14 एवरेज है इसका, 346 रन है, 198 ओवर, 62 विकेट। वेन्यू में रिकॉर्ड अच्छा है, बॉलिंग से रिकॉर्ड खास करके अच्छा है, 23 स्ट्राइक रेट फर्स्ट इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में 20 का स्ट्राइक, सब कुछ सही है। बट अगर थोड़ा सा करेंट फॉर्म में जाते हैं, 0 विकेट 1 विकेट 0-0-2, ये फॉर्म दोस्तों इन्होंने बीपीएल में दिखाया था, फॉर्म वहाँ पे चला ही नहीं बंदा, उसको कुछ मैच में ओपनिंग भी भेजा था, वहाँ पे भी नहीं चला, इसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुआ है। मिचेल स्टार्क शायद टीम से ड्रॉप हो जाए सुनील नडीन। स्टार्क अगर देखते हो दोस्तों 58 T20 मैच, 219 ओवर, 73 विकेट, ठीक है, सॉलिड प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर है, विकेट निकाल लेता है, लोअर ऑर्डर हिटिंग करता है, बॉलिंग से स्ट्राइक रेट 14 बॉल में विकेट मिलता है, 16 बॉल में विकेट, क्या ही बोले हम लोग। बॉल फर्स्ट कैप्टन भी बना सकते हो, डेथ में आएगा, बाउंसर डालेगा, यॉर्कर डालेगा, सब कुछ है इनके पास, लेंथ स्लोअर बॉल है, प्लेयर सॉलिड है। हर्षित राणा 6 मैच में दोस्तों इसने 17 ओवर में 5 विकेट निकाला, 21 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। वेन्यू में 4 इनिंग्स में 11 ओवर 4 विकेट, बॉलिंग से 22 का स्ट्राइक रेट फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड में 26 का स्ट्राइक रेट है। चेतन सकरिया 2 मैच 3 विकेट 8 ओवर, फॉर्म ऐसा है दोस्तों। ये वेन्यू में ना एक बार मैं पिच रिपोर्ट देखूंगा क्या होता है, क्योंकि नाइट वाला मैच में बहुत ज़्यादा स्विंग मिल रहा था, तो चेतन सकरिया डिफरेंशियल हो सकते हैं, बट फिलहाल दोस्तों मैं सेफ जाऊँगा, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। वरुण चक्रवर्ती 14 मैच 53 ओवर 20 विकेट है, लास्ट ईयर अच्छा खेला, ये एक ऐसा प्लेयर है जो विकेट निकाल लेता है, और स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में वरुण चक्रवर्ती का स्ट्राइक रेट देखो, ये स्ट्राइक रेट क्या होता है पता है,
तेईस का स्ट्राइक रेट मतलब इसने 23 बॉल में एक विकेट निकाला फर्स्ट इनिंग्स में, मतलब एक एक 23 बॉल में एक विकेट मतलब क्या होता है ना, एक मैच में T20 में 4 ओवर मिलता है मतलब 24 बॉल, इसने 23 बॉल में विकेट निकाला है, नियर अबाउट पर मैच में 1 विकेट। यहाँ पे स्ट्राइक रेट देखो इसका 18 का हो जाता है, अच्छा ऑप्शन रहता है सेकेंड इनिंग्स में स्पेशली। कई और प्लेयर्स के रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, मनीष पांडे हो सकता है दोस्तों ये स्वैप, मतलब स्वैप में बोलता हूँ, सब्स्टिट्यूट रूल से आएगा जाएगा ऐसा वाला हो सकता है, ठीक है, अगर बैटर्स ज़रूरत पड़ा, अगर बॉलर्स ज़रूरत पड़ा तो हर्षित राणा आएंगे जाएंगे होगा कुछ ऐसा, देख लेना यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह। ये हो गया सब कुछ संपूर्ण एनालिसिस, कोई भी प्लेयर आता है मैं शेयर करूंगा, देखो पूरा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैंने इस टीम का स्कोर एनालिसिस किया, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मनीष पांडे भैया इसका अगर देखोगे भूबी के साथ 26 बॉल में सिर्फ 25 रन 4 बार आउट किया है, मार्कंडे ने एक बार 15 में 24, बाकी कमिंस के खिलाफ रन नहीं आया, नटराजन रन नहीं आया, उमरान रन नहीं आया, सुंदर के खिलाफ भी रन नहीं आया, हसरंगा के खिलाफ थोड़ा बहुत रन आया, तो दोस्तों इसको ज़्यादा अच्छा नहीं खेला किसी भी बॉलर को, इसने ज़्यादा अच्छा नहीं खेला मनीष पांडे को। कीप इट इन माइंड। नीतीश राणा जी 3 बार नटराजन ने आउट किया पर रन भी बहुत मारा इसने, 44 में 76 सही है, 25 में 44, उमरान को भी इसने पिटाई किया है, 2 बार आउट किया है भुवनेश्वर ने पर रन ज़्यादा कंसीड नहीं किया, सुंदर ने 2 बार आउट किया है 26 बॉल में 36 रन देते हुए, सुंदर ने 2 बार आउट किया है, ठीक है, हसरंगा ने 1 बार आउट किया है 33 में 40, मार्कंडे कमिंस 2 में 1 बार किया, उनादकर मिक्स रिकॉर्ड है, बहुत ख़राब भी नहीं है और बहुत बढ़िया भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, मिक्स रिकॉर्ड है इसका। देखोगे यानसन के खिलाफ 31 बॉल में 32 रन। रिंकू सिंह वर्सेस नटराजन ये एक डेथ ओवर में बैटल होगा, अच्छा खेला है 20 बॉल 34 रन 2 बार आउट किया है, मार्कंडे को दोस्तों तो इसने मतलब भयंकर पेला, फारूकी 7 में 6, भुवनेश्वर 17 बॉल में 19, सुंदर हसरंगा जियानसन, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ भुवनेश्वर के खिलाफ तीनों का रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, मतलब भुवनेश्वर का रिकॉर्ड अच्छा है प्लेयर्स के खिलाफ। शेष अय्यर उमरान ने 2 बार आउट किया है, पेस बाउंस और दोस्तों बाउंस, ठीक है, बहुत बाउंसर पड़ेगा इसको, कमिंस के खिलाफ रन बनाया इसने, नटराजन के खिलाफ ज़्यादा नहीं बनाया, मार्कंडे के खिलाफ आउट हुआ एक बार, उनादकर के खिलाफ 2 बार आउट किया है, फारूकी 6 में 8, भुवनेश्वर 3 बार, भुवनेश्वर के साथ मैचअप हर एक बंदे का है, सुंदर 24 बॉल 35 रन 2 बार आउट किया, सरंगा 1 बार, यानसन नहीं। द्रेरस नटराजन ने 21 बॉल में 33 रन 1 बार आउट किया, मार्कंडे ने 2 बार आउट किया, स्पिन के खिलाफ थोड़ा फंसता है बंदा, फारूकी ने 25 में 47 बहुत पिटाई किया, भुवनेश्वर 1 बार आउट किया, बट भुवनेश्वर के खिलाफ द्रेरस का देखो पिटाई अलग लेवल का, हसरंगा यानसन, ठीक है, यहाँ पे कमिंस 5 बॉल में 14, तो दोस्तों अंद्रे रसेल को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ प्लेयर्स के अगेंस्ट, बट इस बार बाउंसर 2 आने वाला है। सुनील नरीन दोस्तों 3 बार उनादकट ने आउट किया, 2 बार भूबी ने आउट किया, 22 बॉल में 27 रन देते हुए, हसरंगा ने 3 बार आउट किया, 11 बॉल में 6 रन, मतलब इसको समझ ही नहीं आता हसरंगा का बॉल ज़्यादा किधर है, अंदर बाहर, यानसन डेथ में आ सकते हैं, सुनील नरीन खेलेगा और पावर प्ले में अगर सुनील ने बैटिंग किया तो वहाँ पे भी यानसन आएंगे दोस्तों 3 बॉल में 2, और इस पिच में ना मुझे लगता है यानसन अच्छा कर सकता है, लेट्स सी खेलते नहीं खेलते शायद ना खेले, बट अगर खेलता है तो अच्छा पिक रहेगा। वेंकटेश अय्यर वर्सेस दोस्तों नटराजन 5 बॉल 10 रन 1 बार आउट किया है, यहाँ पे हसरंगा ने 1 बार 11 बॉल में 21 रन देते हुए 1 बार आउट किया, यानसन ने देखो यानसन के खिलाफ टॉप ऑर्डर फंस सकता है वेंकटेश अय्यर, सुनील नरीन अगर टॉप में खेला तो, सॉल्ट के खिलाफ अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 बार कमिंस ने, 1 बार मार्कंडे, भुवनेश्वर 1 बार, हसरंगा, यानसन ज़्यादा नहीं है दोस्तों, भुवनेश्वर और इस यानसन मुझे अच्छे खासे पिक लग रहे हैं इस मैच में अगर खेलते तो। रामनुल्ला गुरबास वर्सेस अगर ये देख ले हो, भुवनेश्वर ने 1 बार आउट किया, हसरंगा ने 1 बार आउट किया, ये रहा भुवनेश्वर ने 1 बार आउट किया, हसरंगा ने 1 बार आउट किया, 12 बॉल में 22 रन, लीडिंग स्कोरर वर्सेस एसआरएच राणा जी 36 का एवरेज होता है 537 रन, अभी टीम में चेंजेस है कुछ, अय्यर 35 का एवरेज होता है 15 मैच में 421, रसेल ने 241 बनाया 22 के एवरेज से, रिंकू जी का 47 का एवरेज, लीडिंग विकेट टेकर 17 नरीन बट 24 इनिंग्स में 17 बहुत महानतम रिकॉर्ड नहीं है, 16 में 17 इज गुड रसेल का, ठीक है, सिर्फ 38 ओवर्स, नरीन ने बहुत अच्छा बॉलिंग नहीं किया 8-8 में, वरुण 8 बॉल में 31 ओवर में 7 विकेट ठीक ठाक, मुजीब ने 5 मैच 20 ओवर 2 विकेट। अब आते हैं सारे क्षेत्र, उससे पहले लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
SRAs देखोगे तो मयंक अग्रवाल भैया आपको ओपन करते हुए दिखेगा, ट्रेविस जी के साथ, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समाद, वाशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। अब मैं मानता हूँ देखो ट्रेविस सेट को खिलाना चाहिए, मस्ट हैव है। एडन मार्करम तो रहेंगे दोस्तों, शायद कैप्टनसी कर रहे हैं। हेनरी क्लासेन को दोस्तों टीम रखेगा मुझे लगता है तीसरा, और चौथा इतना पैसा जब खर्चा किया पैट कमिंस खेलेगा। बट एक चेंज टीम कर सकता है यहाँ पे, क्या हेट को मैच में ना ले और हेट के जगह ले लेगा ओपनिंग करने में अभिषेक शर्मा जी को भेज देगा और यहाँ पे मार्को यानसन को रखेगा। मैं मानता हूँ दोस्तों इस पिच इनके पास ना बॉलिंग यूनिट अच्छा है, तो इस रीज़न से शायद ये पेस यूनिट देखो इनके पास अच्छा है, इस रीज़न से शायद मैं सोच रहा था कि मार्को यानसन को नहीं खिलाएगा टीम। बट मार्को यानसन अगर खेलता है तो दोस्तों इनके पास जो फोर्थ बॉलर होगा वो एक जेन्युइन पेसर हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन रहेगा वाशिंगटन सुंदर एंड अभिषेक शर्मा, तो मुझे वो टीम ज़्यादा बैलेंस लग रहा है जहाँ पे मार्को यानसन खेलते हुए दिख रहा है और अभिषेक शर्मा क्योंकि लास्ट ईयर भी ओपन किया था इसको ओपनिंग करा देगा, तो हेड ड्रॉप हो जाएगा। आप मिडल ऑर्डर में हिटर रख रहे हो फॉरेन हिटर हेनरी क्लासेन और हेड को ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप हेनरी क्लासेन को ड्रॉप कर रहे हो तो हेड को ले लो। मेरा मानना है कि जो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, अगर मार्को यानसन खेला SRH शुरू में ले सकते हैं दोस्तों 2-3 विकेट KKR का। और मार्को यानसन एक ऐसे बॉलर है जो पावर प्ले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत अच्छा रिसेंट टाइम में हिटिंग भी किया, क्या पता ओपनिंग करा दो मार्को यानसन को। बट मार्को यानसन को खिलाऊँ मैं मानता हूँ, एटलीस्ट इस वेन्यू में तो ज़रूर खिलाऊँ। मयंक अग्रवाल लास्ट ईयर 10 मैच में 270 रन 27 का एवरेज, फर्स्ट क्लास में रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक ठाक है, वेन्यू में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, सिर्फ 19 का एवरेज है 96 रन, इनिंग्स वाइज 21 का एवरेज 24 का एवरेज फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स। ट्रेविस हेड 30 का एवरेज 26 मैच में 656 रन, प्लेयर क्वालिटी वाइज अच्छा है, बैक कर सकते हो इसका दोस्तों, मतलब ये अपने दिन में क्या ही कर लेगा ऐसा वाला प्लेयर है, मतलब कुछ भी करा सकता है। बट शायद ये फर्स्ट मैच में ना खेले, मैं सोच रहा हूँ कि इनको इनके जगह मार्को यानसन को मैं लेता। राहुल त्रिपाठी वन डाउन आएंगे, 13 मैच 273 रन 23 का एवरेज, वेन्यू में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4 इनिंग्स में 37 का एवरेज है 149, फर्स्ट इनिंग्स 29, सेकंड इनिंग्स में 28 का एवरेज होता है, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा डाउन है, कीप इट इन माइंड रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है इसका। एडन मार्करम लास्ट ईयर 23 का एवरेज से 248 रन बनाया, वेन्यू में एक ही खेला 50 स्ट्रोक गया, 29 फर्स्ट इनिंग्स वाइज एवरेज, सेकंड इनिंग्स में 33 का एवरेज, इसको छोड़ नहीं सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। एक तो दोस्तों ये बाउंसर भी अच्छा खेलता है, साउथ अफ्रीका का प्लेयर है। हेनरी क्लासेन क्या ही प्लेयर है दोस्तों, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है अभी के दुनिया में, ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हो बैटिंग फर्स्ट अगर पावर प्ले में विकेट गिरा, क्योंकि पिच में स्विंग है और ओपनिंग में मिचेल स्टार्क है, ना ही इनके पास मयंक अग्रवाल का फॉर्म है, तो हेनरी क्लासेन आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। 50 का एवरेज है लास्ट ईयर 12 मैच में 448 है, क्या ही परफॉर्मर है, रिसेंटली देखो और T20 जो हुआ था साउथ अफ्रीका T20 बहुत अच्छा खेला इसने, 46 का एवरेज हो जाता है फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा गिर जाता है 31 का एवरेज। अभिषेक शर्मा अगर ओपन किया तो सही है, 4 इनिंग्स में वेन्यू में 31 का एवरेज से 92 रन, 9 ओवर में 3 विकेट, लास्ट ईयर 21 का एवरेज से 226 रन 12 ओवर 2 विकेट, मस्ट बी प्लेयर नहीं रहेगा, ड्रॉप रोटेट करके यूज़ कर सकते हो, 28 का स्ट्राइक रेट होता है बॉलिंग से सेकेंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग हुआ तो 17 का थोड़ा बेटर है, बैटिंग फर्स्ट एवरेज 34 का होता है और बैटिंग सेकेंड मतलब चेजिंग के टाइम में एवरेज गिर के सिर्फ 22 का रह जाता है अभिषेक का। अब्दुल समाद लोअर ऑर्डर हिटिंग करेगा, मैं देखो सेफ टीम जाऊँगा, मैं स्मॉल लीग में नहीं लूँगा, ग्रैंड लीग में रोटेट करना है तो करो। वाशिंगटन सुंदर 7 मैच में 18 ओवर 3 विकेट लास्ट ईयर, इस वेन्यू में देखोगे तो 6 इनिंग्स में सिर्फ 3 ही विकेट मिला है, तो फिलहाल दोस्तों मैं वाशी को नहीं लूँगा। अगर ओपोनेंट में देखोगे तो बहुत सारा लेफ्टी प्लेयर है और लेफ्ट राइट कम्बिनेशन मेंटेन होता है, ये भी सही है, बट इसका ना बहुत ज़्यादा बॉल टर्न नहीं होगा ये दोस्तों, बॉल ये मतलब वो डॉट खिलाने वाला बॉलर है, रन रोकने वाला बॉलर है। पैट कमिंस 5 इनिंग्स 5 मैच 63 रन 20 ओवर 7 विकेट, दोस्तों रिसेंट फॉर्म वाइज अगर देखोगे तो टेस्ट में तो डिसेंट है इसका, इस वेन्यू में 3 इनिंग्स में 11 ओवर में 2 विकेट, उतना भी अच्छा वेन्यू का रिकॉर्ड नहीं है, बॉलिंग फर्स्ट स्ट्राइक रेट होता है 26 का, सेकेंड इनिंग्स में ये ज़्यादा अच्छा बॉल करता है 18 का स्ट्राइक रेट, और ये मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेगा, सेफ है इस वेन्यू इस पिच में दोस्तों, बाउंसर और हार्ड लेंथ प्ले में आ सकता है पैट कमिंस के लिए। लेट्स सी भूवी
वेन्यू रिकॉर्ड देखो, 9 मैच में 13 विकेट, वेन्यू में रिकॉर्ड बहुत अच्छा, मैचअप बहुत अच्छा है। ये बंदे पे ना दम लगाओ, बेट लगाओ इस मैच में। 19 का स्ट्राइक रेट होता है फर्स्ट इनिंग्स में, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में। 14 मैच में 16 विकेट था लास्ट ईयर, अच्छा प्लेयर है। रिसेंट फॉर्म फर्स्ट क्लास में अगर देखते हो दोस्तों, इस बंदे ने 5 विकेट निकाला, 2 विकेट निकाला, लिस्ट में 1, 2, 3 यार विकेट तो निकाल जाता है समाओ। नटराजन 12 मैच में लास्ट ईयर सिर्फ 10 विकेट था, वेन्यू में 1 इनिंग्स में 4 ओवर में 1 विकेट, बॉल फर्स्ट 20 का स्ट्राइक रेट, सेकेंड इनिंग्स में 19 का, बॉल फर्स्ट डेथ में आएगा तो ट्राई कर सकते हो। ये कुछ प्लेयर बेंच में बैठे हुए दोस्तों, वानिंदु हसारंगा लेना है तो ले सकते हो इफ़ यू वांट, शायद ये नहीं खेले इस मैच में। मार्को यानसन ये दोस्तों बहुत अच्छा प्लेयर रहेगा इस वेन्यू में भी दोस्तों। इसने 1 इनिंग्स में 4 ओवर में 2 विकेट निकाला, लास्ट ईयर 8 मैच में 10 विकेट 39, अच्छा हिटर है दोस्तों, और रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया अपना बैटिंग। ग्लेन फिलिप्स शायद नहीं खेलेंगे क्योंकि राइट टू राइट रिप्लेसमेंट है हेनरी क्लासन, सेम है नेचर का प्लेयर। प्लेयर्स बैटल ध्यान दो, मयंक अग्रवाल 3 बार रसेल ने आउट किया, 24 में 22, बाउंसर इसको भी पड़ेगा, मयंक को भी पड़ेगा इस साल। 32 में 40 रन, 2 बार आउट किया है नरीन ने, 1 बार आउट किया सकरिया, 1 बार आउट किया चमीरा, 1 बार आउट किया राणा ने, स्टार्क ने 1 बार आउट किया, जो मिल रहा है वही तो आउट कर रहा है दोस्तों। इसका तो एवरेज कोई बन ही नहीं रहा है मयंक अग्रवाल का, मैं फिलहाल नहीं लूँगा। राहुल त्रिपाठी अगर देखोगे 4 बार रसेल ने आउट किया, 21 में 38 रन, पिटाई भी किया है, 1 बार सकरिया ने आउट किया, 48 बॉल में 71 रन बनाया नरीन ने, 1 बार आउट किया मुजीब ने 15 में 10, बाकी वरुण 9 में 24, अरोड़ा 5 में 10। ट्रेविस एट ज़्यादा मैचअप नहीं है दोस्तों, ये अपने दिन में कुछ भी कर लेगा। अभिषेक शर्मा 1 बार आउट किया रसेल ने, 1 बार आउट किया सुयश ने, 21 बॉल 37 रन, और 1 बार आउट किया वरुण ने। अगर देखते हो यहाँ पे एडन मक्रम, अगर देखते हो दोस्तों रसेल ने आउट नहीं किया, नरीन ने 1 बार आउट किया 36 में 36 रन देते हुए, 23 में 26 रन शमीरा, 1 बार स्टाक ने आउट किया, 5 में 12 अरोड़ा, वरुण 1 में 1, तो ठीक ठाक है, उतना भी मैचअप नहीं है। ग्लेन फिलिप्स का नहीं खेलेगा, मार्को यानसन वर्सेस रसेल है मैचअप, 2 बार आउट किया है। वाशिंगटन सुंदर बहुत बाउंसर आने वाला है इस साल, कीप इट इन माइंड, ये पेसर्स मुझे लगता है इस साल इंपॉर्टेंट होगा। हेनरी क्लासन 7 में 12, रसल नरीन 11 बॉल में 20 रन, 1 बार आउट किया चमीरा, 1 बार आउट किया, 1 बार मुजीब ने आउट किया, तो ऐसा देखो एक आध बार आउट तो चलता है यार, भयंकर वाला मैचअप मुझे नहीं दिख रहा है। लीडिंग स्कोरर वर्सेस केकेआर अग्रवाल, 21 का एवरेज है, सिर्फ 21 का एवरेज है केकेआर का, और लीडिंग रन स्कोरर बन के बैठे हुए। त्रिपाठी ने 31 का एवरेज से रन बनाया, चलो ये अच्छा खेला। मरकरम 52 का एवरेज, दिस इज कॉल्ड दोसो प्लेयर। अभिषेक 6 मैच में से 19 का एवरेज। लीडिंग विकेट टेकर भुवनेश्वर 27 इनिंग्स 100 ओवर 32 विकेट। नटराजन 7 इनिंग्स 27 ओवर 11 विकेट, बहुत डिसेंट है दोनों का, स्पेशली भू भी मुझे बहुत पसंद है। नटराजन बॉल फर्स्ट ज़्यादा सही है। सुंदर 8 में 7, उनादकट 12 में 7, मलिक 4 में 6, यानसन 5 में 6, और मकंडे 4 में 5। हेड टू हेड स्टैट्स लास्ट ईयर 2023 में जब हुआ था, केकेआर 171 बनाए थे, रिंकू 46, राणा 42, द्रेरस 24, वैभव अरोरा 2, हर्षित राणा, द्रेरस, अनुकूल रॉय, वरुण 1 विकेट ईच। SRA चेस नहीं कर पाया था। एडन मार्करम 41, हेनरी क्लासन 36, अब्दुल समद 21, बेस्ट बॉलर मार्को यानसन, टी नटराजन बॉल फर्स्ट थे, 2-2 विकेट ईच, भुवनेश्वर त्यागी, एडन मार्करम, मरकंडे 1 विकेट ईच। 2023 में उससे पहले हेड टू हेड में SRA ने बना दिया 228। कोलकाता में ये मैच हुआ था, देखो हैरी ब्रुक का शतक था, एडन मक्रम 50, अभिषेक शर्मा का 32, बेस्ट बॉलर कौन था, मार्को यानसन, मरकंडे। मार्को यानसन दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड है इसका, 2 विकेट निकाला था, भूबी का भी विकेट था, नटराजन का, उमरान का 1 विकेट ईच। केकेआर ये रन 200 चेज नहीं कर पाया, बट फाइट हुआ दोनों मैच में, इन दोनों के बीच फाइट हुआ है। नीतीश राणा ने अच्छा खेला दोनों बार, रिंकू 58, जगदीशन 36, द्रेरस 3, वरुण 1। दोस्तों फिलहाल ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच के साथ, अगले मैच के कवरेज अपडेट्स एंड डेमो टीम दोस्तों मैं शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, तो फटाफट चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में। दोस्तों फिलहाल जो मेरा टीम रहेगा ना, हेनरी क्लासन रहेंगे, गुरबास, ये यहाँ पे ना मुझे डाउट है, मतलब ये इसको मैंने लिया क्योंकि ये विकी से पॉइंट दे सकता है। रिंकू सिंह जरूरी है क्योंकि कलकत्ता का पावर प्ले विकेट गिरेगा मुझे लग रहा है, श्रेयस अय्यर भी हमारे पास है। मैंने फिलहाल मार्को यानसन को यहाँ पे ट्राई किया, मैं अभी 50-50 हूँ मार्को यानसन खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलता है तो मैं ले लूँगा, मस्ट पिक होगा।
वाइस कैप्टन एंडेड मार्क्रम, कैप्टन है एंड्रे रसल, बॉलिंग फर्स्ट एंड्रे रसल ही कैप्टन रहेगा और मार्को यानसन अगर बॉल फर्स्ट हुआ तो ये कैप्टन बन जाएंगे और वाइस कैप्टन बन जाएगा एंड्रे रस या फिर मार्क्रम को बना सकते हो वीसी, ठीक है। बैट बॉलिंग अगर फर्स्ट होता है तो मार्को यानसन कैप्टन, इधर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो एंड्रे रस कैप्टन। वाइस कैप्टन दोस्तों एडन मार्क्रम एक सेफ ऑप्शन रहेगा, अगर यहाँ पे बॉल फर्स्ट हो रहा है तो दोस्तों स्टार्क को वीसी बना सकते हैं हम लोग। वरुण को मैंने लिया स्पेशली बॉलिंग सेकंड ज़्यादा जरूरी है, बॉलिंग फर्स्ट ज़्यादा जरूरी है। भुवनेश्वर कुमार फिलहाल मेरा सेफ टीम में रहेगा, पैट कमिंस रखना पड़ेगा, इतना पैसा से इसको लिया है तो देखना पड़ेगा ये करते क्या है। फिलहाल ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच के साथ, अगले मैच के कवरेज अपडेट डेमो टीम मैं शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, जुड़ना है आपको टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू दोस्तों।